जिस तरह पूरी दुनिया परेशान हो रही है, बड़े बड़े जो सशक्त देश थे वो इसकी चपेट में आ गए हैं, जहाँ हजारों की संख्या में लोगों की मृत्यु हो गई है और कई हजार सौ हजार लोग जो इस समय अपने जिसे कहते हैं आईसीयू के कंडीशन में, और उनकी स्थिति को अभी कुछ कह नहीं सकते। अभी वही महामारी करते हुए हमारे भारत में आ गई है और कई लोग इसके शिकार भी हो चुके हैं। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी जिन्होंने इसको भागते हुए, इसकी विकरालता को भागते हुए उन्होंने जो 21 दिन का लॉकडाउन किया है, इसके अंदर माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी ने भी सहयोग किया और हम सब लोग मिलकर के उन लोगों को जो रोज कमाते थे, रोज खाते थे, उनकी मदद के लिए इस तरह की व्यवस्था की जा रही है कि उनको घर बैठे राशन उपलब्ध हो सके, सब्जी उपलब्ध हो सके, खाद्य सामग्री, दवाई सभी हम उनको घर पर पहुँचा सकें। ये हम सब लोगों के कार्यकर्ता मिलकर के ये काम कर रहे हैं और मैं आप चैनल के माध्यम से सभी लोगों से अपील कर रही हूँ कि प्लीज़ आप लोग अपने घर में रहिए, आपको कहीं कोई कमी नहीं आने दी जाएगी, आप लोग परेशान ना हो, क्योंकि आप सब लोग घर में रहेंगे तो आप भी सुरक्षित रहेंगे, आपके बच्चे भी सुरक्षित रहेंगे। घर में रहना ही इस समय सबसे बड़ा एकमात्र उपाय है। कोरोना से डरना नहीं है, इसका सामना करना है और इसका इलाज केवल और केवल घर में ही रहना है। अपने आप को क्वारंटाइन करें, घर में रहें, स्वस्थ रहें। आपके माध्यम से एक बार फिर सबसे अपील है कि माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी, माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी जो निवेदन कर रहे हैं, सभी लोग आपसे हाथ जोड़ के विनती कर रहे हैं, प्लीज़ प्लीज़ आप अपने घर में रहें, डिस्टेंस मेंटेन करके रहें, यही निवेदन है। बहुत बहुत लगभग कितनी जनता को किराने का सामान आप मुहैया करवाएंगे? किराना का तो आवश्यकता के अनुसार आता चला जाएगा, 2000 पैकेट, 5000 पैकेट, इसकी गिनती नहीं है, अनलिमिटेड है। जब तक हमसे होगा और जब तक ये समय है और लोगों की डिमांड होगी, लगातार हम उसे पूरी करते हैं। ये लगातार 21 दिनों तक चलेगा? जी हाँ, ऑन डिमांड, जैसे जैसे लोग डिमांड करते जाएंगे, अभी तो हम स्टार्ट कर रहे हैं, उसके बाद जैसे जैसे डिमांड आती जाएगी इसको हम बढ़ाते चले जाएंगे।